आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है, यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से देंगे। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। उनके मातहत है जल मंत्री RTC है, जल बोर्ड की चेयरमैन अरविंद केजरीवाल की सरकार की मंत्री है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से हमेशा वायदा किया है, 2013 के चुनाव में भी किया, 2015 के चुनाव में भी किया, 2020 के चुनाव में भी किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री भी बुजुर्ग जो नाटक करते हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। और भाई आपको दिल्ली के लोगों ने चुनाव जिताया, इसलिए चुनाव जिताया था कि आप अनशन पर बैठेंगे। आपने तो कहा था कि हम पीने का भरपूर पानी उपलब्ध कराएंगे, तो अपनी जिम्मेवारी को आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, नाटक कर रहे, नौटंकी कर रहे। दिल्ली के लोग आज बहुत ऐसे त्रस्त है, और विधानसभा का चुनाव आएगा तो इनका पूरी तरह से दिल्ली से सूखा उसी तरह से साफ हो जाएगा जिस तरह से लोकसभा में हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।